जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ता साथी जिंदाबाद 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 नमाज़ दे नहीं चलेंगे कुर्सी से नहीं चलेंगे कुर्सी से इंकलाब जिंदाबाद 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 अफसर शाही मुर्दाबाद 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 अफसर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुना नगर के अग्निशमन सेवा के दफ्तर से। आप सबको बता दें कि इस तरीके से जो है फायर ब्रिगेड के जितने भी कर्मचारी हैं वो इस टाइम धरना पर प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बता दें कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित जो है किस तरीके से अपनी जो है अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से अग्निशमन सेवा के जितने भी यहां पर कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो यहाँ के मेन जो है उनसे उनके खिलाफ जो है किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों को। वो उद्देश्य तो यही बताएंगे साथियों। ऐसा मेरा नाम विनोद कुमार त्यागी, जिला सेक्रेटरी रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारे फायर के जो साथी हैं जो फायर में काम करते हैं, हमारे कुछ साथी इनकी समस्याओं को लेकर के फायर अफसर से मिले। सबसे बात समस्या को छोड़ो, फायर अफसर का जो व्यवहार था वो बहुत गलत था। बजाय समस्याओं का निदान करने के धमकाने का प्रयास किया गया। आज का मुद्दा यह है जो इनकी समस्याएं इनका निदान करें और जो गलत व्यवहार जो भाषा गलत है उसको सुधार करें, वरना आने वाले भविष्य में इनको ये झेलना पड़ेगा। हमारा एक बात कहना है साथियों, हम कोई तानाशाह या कोई गलत हरकत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य डिपार्टमेंट का ईमानदारी से काम करना। अब जैसा साथी बता रहे जिनके 5-5 साल का अनुभव है, उनको अनुभव के आधार पर उनका वेतन तय हो। यदि आप उनका अनुभव के आधार पर वेतन तय नहीं करोगे, जब आपको पावर है तो वह लड़ाई निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ज़्यादा भी इतनी बात। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, 24 घंटे की आप लोगों की ड्यूटी होती है, इमरजेंसी सेवा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके की जो है यमुनानगर में ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम गुलशन भारद्वाज है और मैं अग्निशमन सेवा एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रेस सचिव और सर्व कर्मचारी संघ का जिला सेक्रेटरी। आज हम यहाँ पर अपनी मांग डिमांड के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, काफ़ी समय से लंबित पड़ी हैं। हमने यहाँ का जो फायर ऑफिसर है उसके साथ हमने इसके बारे में बात करने की कोशिश की कि कुछ हमारी मांगों का समस्याओं का समाधान हो जाए। जब हम बात करने के लिए हमारा डेपुटेशन अंदर गया नगर पालिका का और अग्निशमन का, तो यहाँ का जो अधिकारी था उसने हमारे को हमारी यूनियन नेताओं को दमकाने का प्रयास किया, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल करके हमारे को चुप कराने का प्रयास किया। ये कोई आज यहाँ पर पहली बार नहीं है। आप ये देखो कितनी संख्या में आज यहाँ पर कर्मचारी खड़ा हुआ है। कोई भी कर्मचारी इनमें से ऐसा नहीं होगा जिसके साथ इस फायर अफसर ने बदतमीजी के साथ बात ना की हो। उल्टा क्या करता है, जब हम लोग कर्मचारियों की समस्याएं लेकर के जाते हैं तो ये कुछ अपने खास चेतों को अपने पास बिठा करके रजिस्टर के अंदर कार्रवाई करके हमारे ऊपर धमकी देता है कि अब देखता हूँ तुम्हारी नौकरी कौन बचाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम अपने कर्मचारियों की मांगों को उठा रहे हैं, आपके आगे रख रहे हैं, हम नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं, कोई ना कोई तो बात रखेगा ही, लेकिन ये जोर के बोल करके ऊंची आवाज में बोल करके कर्मचारियों को नेताओं को दबाने का प्रयास करते हैं। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे ऐसे कर्मचारी जो है भर्ती हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अफसर रख लिए जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का सीधे तौर पे दोष है इसमें। ये जो फायर अफसर है यहाँ 30 साल से बैठा है और ऐसे मार के छाती पे हाथ ये कहता है तुम्हारे में अगर दम है मेरी बदली करा के दिखा दो। साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि एक अधिकारी 30 साल से एक जिले में कैसे बैठा है। ये कर्म अधिकारी यहाँ पर कच्चा भर्ती हुआ था, यहीं पर ये पक्का हुआ, यहीं पर ये फायरमैन बना, फिर लीडिंग फायरमैन, फिर एफएसओ। कहता मेरी बहुत बड़ी पहुंच है ऊपर तक, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हारी अब नौकरी की ऐसी तैसी फेरूंगा। ये अधिकारी की वर्डिंग है। विरोध कर रहे हैं कर्मचारी यूनियन, कह रहे हैं कि अगर हम अफसरों से बात करने जाते हैं तो वो लगातार बदतमीजी गलत व्यवहार करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? है कि 23-24 तारीख को हड़ताल हुई थी, कितने कर्मचारियों को सर्व कर्मचारी सर आज अपना गुमराह करके ले गया
भाई आज ये डिमांडें पूरी करवाई जाएंगी, ठीक है, इनकी दो दो दिन की सेंटर लगवाई और वो डिमांड पूरी नहीं हुई। अब कर्मचारियों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया, हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने फायर दफ्तर के ऊपर दबाव बनाया है कि हमारी मांगे पूरी है। बाकी जो इन्होंने मांगे लिख के दी हैं, पहली बार तो ये मांगे ले रहे हैं, और जो इनकी पूरी नहीं होने वाली वो मेरे उसमें लेवल की कोई मांग नहीं, डायरेक्टर लेवल की मांगे हैं सारी, इनको भी पता है इसके बारे में डिस्कस हो गई है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा माहौल खराब करते हैं। इनका मोटो क्या है कि फायर ब्रिगेड को ताला लग जाए और आग लगने में दिक्कत आए और हमारे डिमांडें पूरी, यही है सर। ये हर जो है हड़ताल में शामिल होते हैं, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ 24 घंटे रहकर उन्होंने ड्यूटियाँ दी और किसी किस्म की जो है पब्लिक को दी, इनकी ये सोच है सर। इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है, अगर कोई कर्मचारी छुट्टी मांगता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है फैमिली में, तो उसको छुट्टी नहीं दी जाती है, उसको प्रताड़ित ऐसा है कि जो छुट्टी वाला जो भी शिफ्ट वाला मैटर है वो हमने शिफ्ट इंचार्ज को दिया हुआ है, पटनी साइड जो है विनय कुमार शिफ्ट इंचार्ज है, उसको कन्फर्म कर लूँ। ना तो मैं किसी कर्मचारी को छुट्टी देता हूँ, ना मेरे से कोई छुट्टी मांगता है, ठीक है जी। अब ये जो गुलशन कुमार जो है अपना पैरोल का कर्मचारी, ये प्रधान है यहाँ इसका फायर ब्रिगेड का, ये क्या करता है 3-3 घंटे ड्यूटी से गायब रखता है, मेरे को यूनियन के काम से जाना है। 3 तारीख को इसको ड्यूटी पे जाने के लिए बोला गया रेलवे स्टेशन पर, वहाँ उस दिन जो है पंजाब ये अपना रेल बंद का आह्वान किया हुआ था, जो पन्नू है अपना कनेडा बैठा हुआ, रेल नहीं चलने देंगे, इन्हें साफ इनकार कर दिया कि जो करना है कर लो, मैं आपको यूनियन के माध्यम से ये कर दूंगा, यहाँ दरिया बिछाऊंगा, मंगलवार को दरिया बिछाऊंगा। उसके बाद 2:05 फिर दोबारा आग लगी, ये अकेला ड्राइवर था, इसके शिफ्ट इंचार्ज ने फिर बोला जाने के लिए, फिर मना कर दिया क्या जैसे पहला नोट दिया है वैसा दूसरा दे, ठीक है। और जो इनमें कर्मचारी हैं जो इनकी डिमांडे हैं, इनमें कोर्ट में केस पेंडिंग है इनके, जब तक उनका कोर्ट का फैसला नहीं का जरूरत है, ये तो एक दबाव है, मैं किसी तरह ये जो है इकट्ठा करके ये दबाव बना। किस तरीके से इनको शांत कराया जाएगा, किस तरीके से बातचीत की जाएगी इनके, क्या किस तरीके से शांत कराया जाएगा? मैं बता रहा हूँ इनकी हर मांग के ऊपर जो है हमने डिस्कस कर लिया, इनको इनके नेताओं से भी बातचीत हो गई, सारी स्थिति अवगत करवाया जाते हैं, ठीक है। जब फिर भी इनको समझ नहीं आ रही, भैया एक मुद्दा बनाया हमने तो प्रदर्शन करना है, उसका क्या इलाज है बताओ सर? सारे आरोप जो बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल जो एक एक मांग है उसके बारे में पूछ लो, कौन सी मांग है बता देता हूँ, उनकी मांग पूरी हो रही है इनकी, मतलब ऊपर डिपार्टमेंट की मांगे हैं ये। मैं बता रहा हूँ जिन कर्मचारियों की सोच ये है कि इस फायर ब्रिगेड को ताला लगे, वो क्या बड़ा कर सकते हैं ये बताओ ना आप, वो क्या उनकी सोच कैसी है? मान लो मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ तो मेरे ऊपर भी तो अफसर बैठे हैं, क्या इन्होंने किसी कर्मचारी ने शिकायत करी मेरे खिलाफ, करी क्या? मान लो मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार करा है तो मेरे ऊपर बड़ा अफसर है, डायरेक्टर फायर सर्विस है, कोई शिकायत नहीं करी, ये यूनियन के माध्यम से ही सारी करे, भ्रष्टाचार भी करते हैं पूरे, खोले जाएंगे चिट्ठे खोले जाएंगे, कोई नहीं खोल दो कोई दिक्कत नहीं, 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, हेलो यहाँ पे 4 साल के, और अगर मैं भ्रष्टाचार करता ना सरकार है वो पता कितनी सख्त है भ्रष्टाचार के मामले, अब कहने को जो मर्जी बोल देंगे हमें बड़ा बंद किया जा सकता है। अब इन्हें शर्म कर्मचारी सारे इन्होंने से चंदा ले रखा है, उनकी मजबूरी है इनके साथ खड़े होना, तो आप एक बात बताओ जो यूनियन के सदस्य हैं जो सफाई विभाग में सारे अपने अपने काम करते हैं, ये दादागिरी थोड़ा चलेगी, हाँ भाई मैं काम नहीं करता है, आप एक अब आग में अगर मान लो वहाँ कोई जान की हानि हो जाती या कोई वो तो गुहारों में आग थी और शाम को 3 घड़ियाँ गई उसके बाद वहाँ और शाम 6 बजे तक आग लगी, अगर कोई वहाँ जान माल का नुकसान होता तो उसका जिम्मेवार कौन होता, ठीक है। और दो दो घंटे ड्यूटियों से लेट आते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, आपने शिफ्ट इंचार्ज रखा है अपना विनय कुमार उसे पूछ लो, बट ड्यूटी बदलने की ड्यूटी छुट्टी देने की जिम्मेवारी किसके पास है, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।